हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बुडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, फाइनली टाटा मोटर की मोस्ट अवेटेड मिड साइज एसयूवी टाटा कर्व लॉन्च होने जा रही है 7 अगस्त 2024 को, और इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। दोस्तों, बस इसके सेफ्टी रेटिंग बाकी रह गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा कर्व आईसी एंड ईवी वेरिएंट की ऑलरेडी क्रैश टेस्ट हो चुकी है ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट एंड भारत एनकैप रेटिंग। हालांकि ऑफिशियली इंफॉर्मेशन अभी तक रिलीज नहीं हुई है, कभी भी रिलीज हो सकती है। दोस्तों, कभी भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ सकती है, वो भी लॉन्च से पहले। और सूत्रों से पता चला है दोस्तों कि आईसी एंड ईवी दोनों ही वेरिएंट ने काफी जबरदस्त परफॉर्म किया है ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट एंड भारत एनकैप रेटिंग में। 5 स्टार की रेटिंग मिली है दोस्तों। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि एडल्ट ऑक्यूपेंट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट ने कितने स्कोर किए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाटा कर्व को टाटा नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म यानी X1 प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है, और टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है दोस्तों। इसी तरह टाटा पंच को ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की रेटिंग मिली है, वो भी लॉन्च से पहले। और वहीं टाटा पंच ईवी लॉन्च होने के बाद इसे भी 5 स्टार की रेटिंग मिली है ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट एंड भारत एनकैप रेटिंग में। वहीं टाटा सफारी और टाटा हैरियर को ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट एंड भारत एनकैप में भी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है दोस्तों। फाइनली टाटा कर्व भी इन्हीं एसयूवीज में शामिल होने जा रही है 5 स्टार की रेटिंग पाके। बहुत ही जबरदस्त डिजाइन, डायनेमिक्स एंड फीचर से लैस है, और कूपे डिजाइन में आ रही है दोस्तों। और अभी तक इस सेगमेंट या इससे अपर सेगमेंट में कूपे डिजाइन में कोई भी एसयूवी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। टाटा कर्व आईसी वेरियंट की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग होगी दोस्तों 10.49 लाख टू 20 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं ईवी वेरिएंट की जो प्राइस एक्सपेक्टेड स्टार्ट होगी दोस्तों 18 लाख टू 25 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। टाटा कर्व आईसी वेरिएंट में 3 इंजन ऑप्शन आएंगे, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन। वहीं ईवी वर्जन में 2 बैटरी बैकअप आपको मिलने वाले हैं, 40 kWh का बैटरी बैकअप एंड 50 kWh का बैटरी बैकअप। जहां तक रेंज की बात करें तो मीडियम रेंज आपको 425 किलोमीटर की मिलने वाली है, लॉन्ग रेंज आपको 550 किलोमीटर की एक्सपेक्टेड मिलने वाली है। ये थी दोस्तों टाटा कर्व की सेफ्टी रेटिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।